आज का टॉपिक है सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत परिचय एवं उनके अनुप्रयोग। सूक्ष्म जैविक जीव वे जीव होते हैं जो वातावरण में पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये समान रूप से हमें दिखाई नहीं देते, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से ऐसे जीव जो हमारे आसपास उपस्थित होते हैं और लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण करने में सहयोग करते हैं और यही सूक्ष्म जीव जीवों में रोग उत्पन्न भी करते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जिसके अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते हैं, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, मुख्य रूप से जीवाणु, कवक और वायरस होते हैं। तो ये इसमें मुख्य रूप से हम सबसे पहले देखते हैं जीवाणु के अनुप्रयोग। जीवाणु के अनुप्रयोग मुख्य रूप से जो हमारे लिए बहुत सारे जो दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थों के निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं, ये सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु के अनुप्रयोग के अंतर्गत। पहला है डेयरी उद्योग में। डेयरी उद्योग के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं दही एवं मक्खन। तो दही एवं जो मक्खन है, ये दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो दूध में पाए जाने वाली लैक्टोज शर्करा है, ये लैक्टिक एसिड में बदलता है और ये इन शर्करा को, जो शर्कराएं हैं दूध में जो पाई जाने वाली शर्कराएं हैं, ये जीवाणु के माध्यम से अब बनते हैं। जीवाणु की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। इसके अंतर्गत आने वाले जो जीवाणु हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस की प्रजातियां होती हैं, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, ये दूध से दही बनाने में उपयोग होने वाली, या दूध से दही जब बनता है तो ये जीवाणु लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस जो जीवाणु हैं, ये दूध से दही में परिवर्तित करते हैं। इसी तरह दूध या मक्खन जो बनते हैं, ये लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी, दूसरी एक प्रजाति है लैक्टोबैसिलस डुलब्रुकी, लैक्टोबैसिलस डेलब्रुकी, डेलब्रुकी, ये भी जीवाणु जो डेयरी उद्योग में बनने वाले जो उत्पाद हैं, इनके लिए ये जीवाणु दूध से दही बनाने में या मक्खन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह पनीर, पनीर ये भी डेयरी उद्योग का ही उत्पाद है। पनीर दूध से प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है। इसमें लगभग 450 ग्राम में 450 ग्राम पनीर में
जो ऊर्जा पाई जाती है 1780 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो इस तरह से इसमें 20-30% जो पाया जाता है वसा और 20-35% प्रोटीन और इसी तरह अल्प मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। अल्प मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। तो पनीर दूध से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं, जिसको पनीर के अंतर्गत 450 ग्राम पनीर से हमें 1780 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें पाए जाने वाली जो पदार्थ हैं 20-30% वसा होता है, 20-35% प्रोटीन होता है और अल्प मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये भी दूध उत्पाद जो पनीर है ये लैक्टोबैसिलस की वंश जातियों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें दो प्रकार के पनीर प्राप्त होते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें एक दृढ़ पनीर होता है और दूसरा है अर्ध दृढ़ पनीर। इसके बाद आता है डेयरी उद्योग के अंतर्गत मठा। मठा ये भी जीवाणु से प्राप्त होने वाले उत्पाद होते हैं। लैक्टोबैसिलस की प्रजातियां ये दूध से ही, जब दही बनता है और दही को मथने के बाद जो तरल पदार्थ होते हैं ये कहलाते हैं मठा। तो इसमें जो दूध से जब दही बनता है, दही से जब मथने के बाद जो मक्खन को अलग किया जाता है, अलग करने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है वह होता है मठा। तो मठा के अंतर्गत चाहे जाने वाली जो जीवाणु हैं ये लैक्टोबैसिलस की प्रजातियां होती हैं। लैक्टोबैसिलस की प्रजातियां डेयरी उद्योग के अंतर्गत है चौथा योगर्ट। योगर्ट मठे जैसा एक खट्टा पदार्थ तरल दुग्ध उत्पाद है। ये स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नमक बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस नमक जीवाणु से प्राप्त होते हैं। जीवाणुओं की उपस्थिति में ये योगर्ट का निर्माण किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस कोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस। लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस तो योगर्ट मठे जैसा खट्टा तरल दुग्ध उत्पाद होता है। ये भी जीवाणुओं की उपस्थिति में
ये प्राप्त होते हैं और इस तरह से जो इनका उपयोग ज्यादातर व्यापारिक स्तर पर भी उत्पादन किया जाता है तो इसमें इसके जो उत्पाद जो प्राप्त होते हैं इनमें जो प्राइमर के रूप में जो जीवाणु लिए जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लैक्टोबेसिलस वल्गेरिकस नमक जीवाणु लिए जाते हैं। इसी तरह ये था डेयरी उद्योग के क्षेत्र में दही एवं मक्खन प्राप्त करने के लिए जीवाणु का की उपस्थिति में ये प्राप्त होते हैं। इसी तरह पनीर दूध से बना हुआ उत्पाद है पनीर मठा ये भी दूध से बने हुए उत्पाद होते हैं। इसी तरह योगर्ट जो कि दूध से बना हुआ ये भी उत्पाद है और इन सबके लिए विभिन्न जीवाणु की उपस्थिति में ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखते हैं डेयरी उद्योग के बाद दूसरा है कृषि के क्षेत्र में। दूसरा अनुप्रयोग जीवाणु का जो अनुप्रयोग है कृषि के क्षेत्र में तो कृषि के क्षेत्र में जीवाणु का अनुप्रयोग सबसे पहले है इसके अंतर्गत नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसमें जो जीवाणु है ये वातावरण में स्वतंत्र रूप से जो भूमि में पाए जाते हैं जैसे कि क्लस्ट्रिडियम और एजोटोबैक्टर स्वतंत्र नाइट्रोजन जो कि भूमि में पाए जाने वाले हैं पाए जाते हैं क्लस्ट्रिडियम क्लास्ट्रीडियम एजेटोबैक्टर क्लास्ट्रीडियम एजेटोबैक्टर ये भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले नाइट्रोजन हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कुछ लेग्युमिनेसी कुल के पादपों में पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं जैसे कि राइजोबियम ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इस तरह से ये जीवाणु भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। दूसरा है इसके अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में दूसरा नाइट्रीफाइंग नाइट्रीफाइंग जीवाणु तो वायुमंडल में जो उपस्थित अमोनिया है इस अमोनिया को नाइट्राइट अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं और नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में बदलता है।
वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रिफाइंग जो जीवाणु हैं, ये अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को फिर नाइट्रेट में बदलते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये भी भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत जो जीवाणु हैं, जिसमें नाइट्रिफाइंग जीवाणु के अंतर्गत नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु का नाम है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर। तीसरा से नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोमोनास नाइट्रो बैक्टर जीवाणु हैं, जो नाइट्रिफाइंग जीवाणु के अंतर्गत आते हैं और ये भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। तीसरा, इसमें जो मृत जीवों को सड़ाते हैं, मृत जीवों को सड़ाना, कुछ ऐसे जीवाणु हैं जब जीवों की मृत्यु होती है तो इनको अपघटित कर लिए जाते हैं और इस तरह से उनमें जो उत्सर्जित कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सड़ाकर अपघटक के रूप में वापस भूमि में उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। और इस तरह से ये जो जीवाणु हैं ये वातावरण को पुनः जो कार्बनिक पदार्थ हैं वापस वातावरण में ला दिए जाते हैं, या कह सकते हैं कि एक प्रकार की ये पर्यावरण का सफाई करते हैं। ये था कृषि के क्षेत्र में। अब आगे है सिरका उद्योग में। तीसरा, तीसरा जीवाणु का अनुप्रयोग के अंतर्गत है सिरिका उद्योग। सिरिका उद्योग में जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है ये जीवाणु की उपस्थिति में होता है। इसमें सिरका शर्करा का फर्मेंटेशन होता है C6H12O6 इस्ट की उपस्थिति में। ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस तरह से शर्करा से ये अल्कोहल में बदल जाते हैं और ये अल्कोहल फिर एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की साथ क्रिया होता है तो ये जीवाणु की उपस्थिति में होता है एसिटोबैक्टर एसिटी, जिससे बनता है एसिटिक अम्ल। अल्कोहल एसिटिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और यह जो क्रिया है एसिटिक जब बनता है तो अल्कोहल से जब एसिटिक अम्ल बनता है तो उस समय जीवाणु की उपस्थिति से यह क्रिया होती है। जीवाणु जिसमें एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु का नाम है, एसिटोबैक्टर एसिटी
ACT, Acetobacter, ACT, जीवाणु की उपस्थिति में ये एसिटिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इसी तरह रेशे की रेटिंग में चौथा जीवाणु का अनुप्रयोग रेशे की रेटिंग। रेशे प्राप्त करने के लिए जो जीवाणु विभिन्न पौधों से के तनों से प्राप्त तनों से रेशों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है रेटिंग। ये जीवाणु की उपस्थिति में यह क्रिया होता है और ये पादपों से उनके रेशे को अलग कर दिए जाते हैं। क्लास्ट्रिडियम नामक क्लास्ट्रिडियम ब्यूटीरिकम क्लास्ट्रिडियम ब्यूटीरिकम नामक जीवाणु की उपस्थिति में यह रेटिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें पौधों के तनों से जो रेशे अलग किए जाते हैं ये क्लास्ट्रिडियम ब्यूटीरिकम नामक जीवाणु के द्वारा अलग किए जाते हैं। पांचवा है चमड़ा उद्योग में भी ये चमड़े से वसा का विघटन जीवाणुओं के द्वारा किए जाते हैं। चमड़ा जो कि जंतुओं की बाह्य त्वचा जो होती है जिसमें इसे चमड़ा कहते हैं उसकी त्वचा में जो वसाएं होती हैं उन वसाओं को अलग करने के लिए जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। छठवां है औषधि उद्योग में औषधि उद्योग के अंतर्गत प्रतिजैविक का उत्पादन प्रतिजैविक वे पदार्थ होते हैं जो जीवों में ये ऐसे पदार्थ हैं जो जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं और ये बीमारियों को अच्छा करने के लिए किया जाता है। प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित जटिल रासायनिक पदार्थ हैं और ये दूसरे जीवों को नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से जो एंटीबायोटिक हैं प्रतिजैविक हैं जैसे कि एक्टिडीन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। ये स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रेसिस एक्टिडीन ये स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है और ये इसका उपयोग कवक जनित पादप रोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक्टिडीन इसी तरह एम्फोमाइसिन दूसरा जो एंटीबायोटिक है एम्फोमाइसिन तो ये इसके जीवाणु है स्ट्रेप्टोमाइसिस कैरस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। इनका उपयोग भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनसे जो उत्पाद के लिए उपयोग इनके विरुद्ध उपयोग किए जाते हैं। इसी तरह ल्यूकोमाइसिन क्लोरोमाइसिन क्लोरोमाइसिटीन नियोमाइसिन टेट्रामाइसिन टेट्रासाइक्लिन इरिथ्रोमाइसिन ये विभिन्न
एंटीबायोटिक्स हैं जो विभिन्न जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं और इनका उपयोग जो जीवाणु ही या सूक्ष्म जीवों से जीवों द्वारा उत्पन्न बीमारियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसी तरह औषधि क्षेत्र के अंतर्गत इसमें पहला था प्रतिजैविक के उत्पादन में, अब दूसरा है इसमें जिसमें जिसके अंतर्गत विटामिन उत्पादन में, जीवाणु के अनुप्रयोग के अंतर्गत औषधि उद्योग में अनुप्रयोग देख रहे थे जिसके अंतर्गत हम अभी देखे एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों का उत्पादन। विभिन्न प्रकार के जीवाणु विभिन्न एंटीबायोटिक्स विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स प्राप्त होते हैं जो जीवाणुओं के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। इसी तरह औषधि के क्षेत्र के अंतर्गत विटामिन उत्पादन में औषधि के अंतर्गत था प्रति जैविक का उत्पादन। अब दूसरा इसमें विटामिन का उत्पादन। तो इसमें भी विभिन्न प्रकार के विटामिन उत्पादन होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन B2। पहला है इसमें विटामिन B2। इस विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है, राइबोफ्लोविन। इस विटामिन B2 का को राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं, या राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का जो पूरा नाम है विटामिन B2 को और क्या कह सकते हैं हम, राइबोफ्लोविन विटामिन कहेंगे। इसमें जो जीवाणु है ये कड़वा गंधहीन पीले संतरी रंग का पाउडर होता है के रूप में होता है। ये मानव की वृद्धि एवं जनन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन B2 मानव की वृद्धि और जनन के लिए ये आवश्यक विटामिन हैं। तो इनका संश्लेषण रासायनिक संश्लेषण भी इसका किया जाता है, लेकिन आज कल इसका जो व्यापारिक स्तर पर जो उत्पादन किए जाते हैं ये जैव तकनीक के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये क्लस्टिडियम विटेरिकम नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, क्लस्टिडियम विटेरिकम। क्लस्टिडियम ब्यूटीरिकम नामक जीवाणु से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से विटामिन B2 जो कि राइबोफ्लोविन है, यही विटामिन B2 मानव की वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक होते हैं और ये व्यापारिक स्तर पर जैव तकनीक के माध्यम से क्लस्टिडियम ब्यूटीरिकम नामक जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। क्लास्टिडियम और है इसमें क्लास्टिडियम आर्टोब्यूटीरिकम, क्लास्टिडियम आर्टोब्यूटीरिकम
ये जीवाणुओं के इनके नाम हैं जो कि विटामिन बी टू से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा विटामिन है विटामिन बी ट्वेल्व। ये विटामिन बी ट्वेल्व या जो कि विभिन्न जो जीवाणु हैं इसका नाम कोबालामिन, विटामिन बी टू का नाम है कोबालामिन। विटामिन बी ट्वेल्व को बी ट्वेल्व या कोबालामिन के नाम से जानते हैं। ये पानी में विलेय होते हैं। इसका उपयोग रक्त अल्पता और भूख लगने के लिए किया जाता है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसियस जीवाणु का नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसियस नामक जीवाणु से विटामिन बी टू बी ट्वेल्व प्राप्त किए जाते हैं। इसी तरह और भी जो जीवाणु हैं, बैसिलस मेगाथीरियम, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस और बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस मेगा थीरियम, बेसिलस मेगा थीरियम, बेसिलस मेगा थीरियम, ये व्यापारिक स्तर पर स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवेसियस एवं बेसिलस मेगा थीरियम नमक जीवाणु से विटामिन बी टू ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व प्राप्त किया जाता है। इसी तरह विटामिन सी तीसरा है, विटामिन सी इसे एस्कॉर्बिक या फिर इसको कहेंगे एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल ये भी जीवाणु से एसिटोबैक्टर नामक जीवाणु से प्राप्त होता है और इसका जो उत्पादन है शर्करा का डी सॉर्बिटाल से एसिटोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। ये एसिटोबैक्टर की सहायता से विशिष्ट शर्करा एल सॉर्बोज प्राप्त किए जाते हैं और ये जो एल सॉर्बोज है शर्करा, इस शर्करा का जब उत्पादन जब किया जाता है तो ये डी सॉर्बिटॉल से एसिटोबैक्टर की सहायता से प्राप्त करते हैं। जीवाणु का नाम है एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर से एल सॉर्बोज प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से ये विटामिन बी टू, बी ट्वेल्व और विटामिन सी ये जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इसी तरह एंजाइम उत्पादन, कुछ जीवाणु एंजाइम का उत्पादन करते हैं जैसे कि शाकाहारी जंतुओं के आहार नाल में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करने वाले एंजाइम सेलुलोज को श्रवण करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करने के लिए सेलुलेज का श्रवण करते हैं।
उसी तरह बैसिलस सबसिटिलिस ये जीवाणु हैं जिनका प्रोटीएज एंजाइम के उत्पादन में किया जाता है. बैसिलस सबसिटिलिस तो एंजाइम के अंतर्गत औषधि के क्षेत्र के अंतर्गत इसमें है एंजाइम उत्पादन. तो विभिन्न जो जीवाणु हैं अलग अलग प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं. सेल्युलेज प्रोटीएज पैक्टिनेज ये जीवाणु के द्वारा ही श्रवण के बनते हैं. तो इसमें ही जो बैसिलस सबसिटिलिस है जीवाणु है बैसिलस सबसिटिलिस बैसिलस सबसिटिलिस ये जो है ये प्रोटीएज एंजाइम के उत्पादन में किया जाता है. इन जीवाणु का जो उत्पादन बैसिलस सबसिटिलिस ये प्रोटीएज एंजाइम के उत्पादन में किया जाता है. क्लास्ट्रिडियम की कुछ जातियां हैं जो पेक्टिनेज एंजाइम उत्पादित करते हैं. क्लास्ट्रिडियम की स्पीसीज जो पेक्टिनेज श्रवण करते हैं ये है क्लास्ट्रिडियम. टेक्निज एंजाइम का श्रवण जो होता है क्लास्ट्रिडियम की प्रजातियों से होता है. तो इस तरह से हम विभिन्न उत्पाद के साथ साथ औषधि के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में सिरका उद्योग में रेशे के रेटिंग के लिए चमड़ा उद्योग में औषधि के क्षेत्र में जीवाणुओं के अनुप्रयोग को देखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यक हैं. और ये हमें जीवाणुओं के उत्पाद जीवाणुओं के द्वारा ही प्राप्त होते हैं. जीवाणुओं की उपस्थिति में उनमें क्रियाएं के फलस्वरूप बनती हैं या कुछ एंजाइम स्रावित करते हैं जीवाणु जो क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित करते हैं. इस तरह से हमारा सूक्ष्म जैविकी एवं परिचय के अंतर्गत जो अनुप्रयोग है जीवाणुओं के अनुप्रयोग के बारे में आपने आज अध्ययन किया. धन्यवाद.